आज हमें मिला एक बैग। तो अब हम क्या खेलने वाले हैं? चलो कोई डांस पार्टी गेम खेलते हैं कज़ामा। पार्टी? पार्टी मैं जानता हूँ वो क्या होती है, जहाँ बड़े लोग चाय पीते पीते बहुत सारी बातचीत करते हैं। ऐसी जगह जहाँ बातें भी हो और चाय भी मिले और डांस भी हो, ऐसी पार्टी करना तो मुश्किल होगा। बड़ों का हर काम मुश्किल ही होता है। वो तो है। अरे ये क्या है? खोया हुआ सामान? ऐसा ही लगता है। किसी लड़की का बैग है। इसके अंदर क्या हो सकता है? ये तो निकल ही नहीं रहा। तय कीमती सामान है। हाँ, दिखाओ मुझे। देखो। हाँ, लगता तो है। मैं भी देखूंगा। ये देखो। इसे देखकर तो लगता है ये बैग जरूर किसी राजकुमारी का है। तुम भी क्या क्या बोलते रहते हो शिनचैन। वो तो इतनी दूर रहती हैं, उनका बैग यहाँ कैसे आ सकता है? कुछ तो सोचा करो। इस जमाने में कुछ भी हो सकता है। क्या पता वो खेलने आई हो, उनका बैग गिर गया हो। हाँ, और ये भी हो सकता है कि चोर ने इस बैग को चुरा लिया हो और फिर पुलिस पीछे पड़ी हो। हाँ, और फिर बैग गिर गया हो। एक बात बताऊँ दोस्तों, मैंने कई डिटेक्टिव प्रोग्राम देखे हैं। जब कोई चोर कीमती सामान चुराता है तो वो ऐसे ही बैग का इस्तेमाल करता है। मतलब हमारे यहाँ होना भी खतरे से खाली नहीं। अगर हम इस मामले में उलझ गए तो हम फंस भी सकते हैं। लेकिन कैसे फंस सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि ये बैग चोरी का हो और चोरी से लेने वापस आए। मुझे डर लग रहा है। तुम तो एकदम डिटेक्टिव की तरह सोच रही हो। हाँ, इस बैग को हमें पुलिस स्टेशन दे देना चाहिए। कासू काबे में सुख शांति बनाए रखना हमारा काम है। चलो दोस्तों, आओ मेरे साथ। हो सकता है ये दीदी ही चोर निकले। उनके पीछे क्यों जा रहे हो? उनका परफ्यूम बहुत ही अच्छा था। हमारे पास ये सब करने का वक्त नहीं है। अगर कोई चोर हुआ तो वो हमसे बैग भी ले सकता है। चलो। सही कहा, मुझे डर लग रहा है। सुनो। अरे रुक जाओ, लगता है चोर हमारे पीछे। अरे रुक जाओ। उनकी शक्ल देख के तो लग रहा है जरूर वही चोर होंगे। भागो। पता नहीं कहाँ चले गए वो सब बच्चे। क्या कहा तुमने? अगले संडे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने साथियों से बात कर रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। हमें छुपे रहना होगा जब तक वो यहाँ से चला ना जाए। लेकिन कैसे? मुझे जोर की लगी है, अब मैं क्या करूं? मैं साथ में कितनी बार कहा ऐसा मत किया करो, मूली क्यों खाती हो? मुझे नहीं जाना। शिनचैन बंद करो, तुम्हें इस समय भी ऐसी बातें सूझ रही हैं? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। क्या पता नहीं चलेगा, सब कुछ तो पता चल गया। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं? कैसे जाऊं? कज़ामा तुम काम क्यों रहे हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? वो तो बस ऐसे ही। अरे उस फाउंटेन की तरफ देखो, कितना अच्छा पानी है, कितना सुंदर फाउंटेन है। पानी ही पानी, पानी कितना खुश लग रहा है ना। चुप रहो शिनचैन। कज़ामा तुम्हारे गाल लाल क्यों हो गए? अरे तुम इतना कांप क्यों रहे हो कज़ामा? ऐसा मत करो शिनचैन। इस तरह कंट्रोल करना तो मुझसे मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? पुलिस स्टेशन में भी तो टॉयलेट होगा ना। हाँ चलो, अब हमारे पास और वक्त नहीं है, पुलिस स्टेशन चलो। क्या तुम्हें हो रही है कज़ामा? नहीं ऐसा तो नहीं, चलो जल्दी करो। जरा सुनो, रुक जाओ। क्यों? पुलिस बूथ यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है और हमसे चोर 30 मीटर की दूरी पर है। अगर हम पुलिस बूथ की तरफ जाए और चोर हमें देख ले और वो हमसे तेज भागे तो हम पकड़े जाएंगे। ये क्या क्या बोले जा रहा है? मुझे लगता है वो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर
अगर ऐसा है तो चलो भागते हैं। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे जोर से लगी है। जजामे तो बहुत तेज भागते हैं। पुलिस अंकल, ये लीजिए खोया हुआ सामान। जल्दी से बताइए कि टॉयलेट कहाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो पीछे की तरफ है, वहीं चले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शिनचान रुक जाओ, मैं पहले जाऊँगा। अरे रुको, पहले मुझे जाना है। जरा उधर देखो। अरे माफ करना, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। पुलिस अंकल, ये आदमी तो वही है। क्या बात है, ये बच्चे क्या कह रहे हैं? देखिए मुझे ये मिला था। बच्चे ये तुमने गिरा दी थी। अरे हाँ, ये तो मेरा है। ओ, तो आप इन्हें ये लौटाना चाहते थे? शुक्रिया। तुम बेकार में ही घबरा रहे थे। अच्छा, तो इसीलिए ही। अब तुम जा सकती हो। हटो मेरे रास्ते से। देखते हैं। अरे इसमें तो बच्चों के खेलने के लिए हीरे मोती हैं। अरे ये डायरी कैसी है? लगता है ये नैनी का है। माफ कीजिएगा, दरअसल मेरा बैग खो गया है। अरे नैनी, हाँ ये तो इत्तेफाक की बात है कि तुम सब भी यहाँ आए हुए हो। क्या ये बैग तुम्हारा है बच्चे? हाँ ये बैग मेरा है सर। इसके अंदर मेरे ऑफिस का सामान और स्क्रिप्ट रखी हुई है। अच्छा हुआ ये मिल गया, अब हम सब मिलकर आराम से ऑफिस खेल सकते हैं। इसके मुताबिक मैं एक बहुत बड़े ऑफिस में मैनेजर हूँ और वहाँ 20 लोगों का स्टाफ है, लेकिन कुछ दिनों से स्टाफ के कुछ लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। मैंने तुम्हें कल एक काम बताया था, तुमने अब तक वो काम पूरा क्यों नहीं किया? देखो बच्चे, तुम्हें आराम से खेलना चाहिए, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब तो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह बात कर रही है। तुम तीनों मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। बस आओ तुम मेरे साथ खेलोगे ना? क्या मैं? तो चलो हम पास में जाकर खेलते हैं। लगता है आज मसाओ ही ऑफिस खेलेगा। हम चाहे तो कुछ और भी खेल सकते हैं। कोई और गेम खेलने की क्या जरूरत है, आओ तुम लोग भी खेल सकते हो।